तो सवाल ये किया जाता है मुझसे कि हाउ कैन यू बिकम अ पायलट इन पाकिस्तान, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर योर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो हेलो जी, मेरा नाम शुजाए मियां है एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में पायलट कैसे बनते हैं। मेरी नज़र में जो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर फ्लाइंग, दैट इज़ यू नीड टू हैव पैशन, यू नीड टू हैव डेडिकेशन एंड यू नीड पैसा। क्योंकि पूरी दुनिया में पैसे बगैर कुछ नहीं होता एंड पाकिस्तान में भी पैसों के बगैर कुछ नहीं होता एंड स्पेशली फ्लाइंग तो बिल्कुल भी नहीं होती पैसों के बगैर, ठीक है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज जो आपको मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। देर इज़ एन SPL, अ स्टूडेंट पायलट्स लाइसेंस। दिस इज़ बेसिकली लर्नर्स लाइसेंस, आप लर्नर कह सकते हैं इसको, after which you are allowed to fly once you get your SPL. So once you do 40 flying hours, then you get your PPL, your private pilot's license. And when you do 90 more hours, you get your CPL, your commercial pilot license. And 50 more hours hote hain for your instrument rating, which is a total of 190 hours, jisme PPL, CPL, IL include hote hain. Aur flying clubs Pakistan mein ye 190 hours aapko karwate hain. So iski jo requirements hain, for a PPL, you need to be 17 years or above. For a CPL, you need to be 18 years or above. ठीक है? Education requirements for a PPL, you need to have a matric degree or O levels or equivalent. For a commercial pilot's license, you need to have intermediate or A levels or equivalent. ठीक है? ये आपकी educational requirements होनी चाहिए. Degree is not required to become a pilot. ये अक्सर इसलिए मैं कह रहा हूँ, अक्सर लोग intermediate के बाद flying start करते हैं. Finances, you need पैसा. पाकिस्तान में flying is costly. It's normal compared to other places in the world and it's also cheaper than some other places. लेकिन it's around 34 to 35 lakh. क्योंकि basically flying जो होती है it's charged by the hour, ठीक है? जहाँ मैं fly करता हूँ वहाँ the Cessna 152 rate जो per घंटा है is 16,500 rupees. तो आप इन इंस्टॉलमेंट्स आप डिपॉजिट करते जाते हैं व्हेन यू आर फ्लाइंग एंड देन इन द एंड यूजली आप 190 आवर्स कर लेते हैं तो टोटल इज अबाउट 34 to 35 lakh, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, यू नीड टू हैव फाइनेंशियल बैकिंग एंड अ गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग इन ऑर्डर टू कंप्लीट फ्लाइंग एंड यस 35 लाख्स फॉर योर CPL IR एंड अगर आप PPL करते हैं तो दैट्स अराउंड 10 टू 15 लाख्स आई गेस, आप कैलकुलेट कर लें बाय द रेट दैट आर गिवन यू। अब आते हैं टुवर्ड्स योर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। नाउ मेडिकली यू नीड टू बी फिट इन ऑर्डर टू बिकम अ पायलट, ठीक है? जो सिविल एविएशन और कमर्शियल फ्लाइंग के स्टैंडर्ड्स हैं दे आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज एयरफोर्स, लेकिन देर आर सम सिंपल टेस्ट दैट नीड टू बी डन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेडिकल लाइसेंसेज, वन इज अ क्लास वन मेडिकल विच इज़ फॉर CPL होल्डर्स, इट्स मैंडेटरी फॉर CPL होल्डर्स, एंड देर इज अ क्लास टू मेडिकल विच इज़ मैंडेटरी फॉर PPL होल्डर्स। द टेस्ट ऑफ CPL एंड PPL आर मोस्टली द सेम, लेकिन मैं आपको अभी डिफरेंसेज बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक टेस्ट्स, नंबर वन आपकी आई साइट चेक होती है। योर आई साइट शुड बी 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस, दैट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। अगर आपकी विदाउट ग्लासेस 6x6 है वेल एंड गुड, अगर विद ग्लासेस है तो 6x6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप ग्लासेस के साथ हैं तो इट्स नॉट एन इशू, वो सिर्फ ये होता है कि वाइल्स फ्लाइंग यू नीड टू बी वेयरिंग योर ग्लासेस एंड नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस विद यू एट ऑल टाइम्स। फिर आपका चेक होता है एयर नोज थ्रोट यानी ENT, उसमें चेक करते हैं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है दैट कैन बी हर्ट इन फ्लाइंग, यूजली ये सारे क्लियर होते हैं। देन होती है ऑडियोमेट्री, उसमें वो आपके ना आपको हेडफोन्स बनाते हैं एंड वो कुछ फ्रीक्वेंसीज मुझे याद है वो प्ले करते हैं एंड आपने वो रिस्पॉन्ड करना होता है, वो देखते हैं आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है अकॉर्डिंग टू लिसनिंग एंड कोई इशू तो नहीं है विद योर हेयरिंग और एनीथिंग, ठीक है? फिर ऑन द कार्डियक साइड आपकी ECG होती है एंड आपका कार्डियो एको होता है, तो इसमें दे बेसिकली चेक इफ योर हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डिजीजेस की, हार्ट डिजीज की, एंड कोई इशू तो नहीं है विद योर कार्डियक आउटपुट और एनीथिंग एल्स। फिर एक्सरे होता है, आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें आपको पता लगता है कि भाई चेस्ट क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। फिर आपके ब्लड शुगर कंप्लीट होता है, कंप्लीट ब्लड शुगर वर्कअप होता है, इसमें आपकी एक लिपिड प्रोफाइल होती है जिसमें वो चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, हाउ मच ऑफ अ रिस्क ऑफ डायबिटिक पेशेंट आर यू, आपके डायबिटीज़ का खर्चा है आपके यहाँ पैदा होने का। फिर HbA1c टेस्ट होता है, उसमें बेसिकली चेक करते हैं कि आपके ब्लड शुगर कंप्लीट चेक करते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, चेक ये करते हैं अल्कोहल तो नहीं है सिस्टम में, ड्रग्स तो नहीं है सिस्टम में। पहले बता दूँ अगर नशे करते हो फ्लाइंग ना करना, बोथ ऑफ दीज थिंग्स डोंट गो वेल टुगेदर, ठीक है? या नशे कर लो या फ्लाइंग कर लो।
फ्लाइंग भी एक नशा ही है, लेकिन चलो ठीक है। खैर ये हो गए क्लास टू मेडिकल के टेस्ट। अब जो क्लास वन मेडिकल में दो एडिशनल टेस्ट होते हैं, विच आर नंबर वन इज आपकी ईईजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आई गेस, इलेक्ट्रोएनसेफेलोफली समथिंग होती है। इससे बेसिकली होता है कि आप ये ना तावे लगा देते हैं दिमाग के साथ एंड फिर ब्रेन की एक्टिविटी चेक करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, इट वॉज अ वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर मी टू। एंड बस बाकी एक और टेस्ट होता है साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन। साइकाइट्रिक एवेल्यूएशन में वो चेक करते हैं कि आप मेंटली पागल तो नहीं, यू मेंटली सेन टू एक्चुअली फ्लाई एयरक्राफ्ट, आप डिप्रेशन या कोई आपका मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसमें एक आईक्यू टेस्ट होता है, बाकी कुछ वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं टू डिटरमिन योर पर्सनैलिटी। एंड इसमें ये सबसे लंबा टेस्ट होता है, सबसे महंगा टेस्ट भी सब में यही है। तो दीज टोटल टेस्ट जो बनते हैं फॉर क्लास वन मेडिकल, ये बनते हैं तकरीबन 30,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें सबसे महंगी साइकेट्रिक वैल्यूएशन होती है विच इज़ 16,000। एंड हर ये मेडिकल पे रिन्यू होता है, हर टेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं दोबारा होता है। फॉर वन सम टेस्ट होते हैं जो एक वन टाइम ओनली है, साइकेट्रिक वैल्यूएशन वो सिर्फ पहली दफ़ा होती है, उसके बाद नहीं होती, लेकिन आई से गए दोबारा चेक होता रहता है। तो द प्रोसेस टू गेट अ क्लास वन मेडिकल इज़, पहले आप अपने फ्लाइंग स्कूल जाते हैं जो आपके एयरपोर्ट पे है, वहाँ एडमिशन लेते हैं। फ्लाइंग स्कूल पे आपको एक लेटर इशू करता है कि ये स्टूडेंट हमारे फ्लाइंग स्कूल का है एंड प्लीज़ इसका क्लास वन मेडिकल करवा दें। फिर आप जाते हैं सिविल एविएशन के डॉक्टर के पास, वो यूजली बैठता है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं पिंडी, कराची एंड लाहौर के, इन पर बैठता है। उसे जाके फिर आप टेस्ट की लिस्ट लेते हैं, फिर वो आप CMH जाते हैं इन लाहौर, इन पिंडी में CMH में ही होता है एंड इन कराची जो सिविल एविएशन का अपना एयर मेडिकल सेंटर है वहाँ ये सारे टेस्ट होते हैं। वहाँ करके तो फिर आप जब आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको वो क्लास वन मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये तो हो गए आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, योर एज, योर एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, योर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एंड योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, मेडिकल में एक और चीज़, ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, आपको बेसिकली वो BMI इंडेक्स ही कैलकुलेट करते हैं, ऐसे बाकी पूरी दुनिया करती है। तो इफ़ योर BMI इज़ बिलो 30 तो इट्स फाइन, ये बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ कॉशन कि यू नीड टू रिड्यूस योर वेट, बट इट्स नॉट एन इशू ड्यूरिंग फ्लाइंग। अगर 30 से ज़्यादा आपका BMI इंडेक्स, तो फिर यूजली वो एक दो और टेस्ट आपसे करवाते हैं जिसमें वो दे कंफर्म दैट यू एक्चुअली मेडिकली फिट टू फ्लाई और नॉट, तो वो आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ लो वेट व्हाइल फ्लाइंग, क्योंकि एयरक्राफ्ट की भी लिमिट्स होती हैं, हाउ मच वेट यू कैन टेक अप, सो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू समटाइम्स। हाउ टू जॉइन अ फ्लाइंग स्कूल, नाउ पाकिस्तान में लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान, पेशावर में फ्लाइंग क्लब्स हैं। ठीक है, आप अपने एयरपोर्ट पे जा सकते हैं चेक करने के लिए। मैं जितनी लिस्ट है जितना मुझे पता है फ्लाइंग स्कूल्स का, और लिंक है इन दी डिस्क्रिप्शन बिलो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वंस यू गो टू अ फ्लाइंग स्कूल, वो आपको जैसे मैंने आपको बताया आप एडमिशन लेंगे, यू कैन चेक देयर एयरक्राफ्ट, उनकी क्या फाइनेंस है, क्या रेट है पर आर, कौन से एयरक्राफ्ट है उनके पास। इफ़ यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड देन यू कैन जॉइन दम। फिर आपको मेडिकल का लेटर इशू होगा, मेडिकल करवाएंगे, वंस यू मेडिकली फिट फिर वो आपको देंगे फॉर्म सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के लिए। तो बिकॉज आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दी सिविल एविएशन मेक श्योर दैट यू नॉट टेररिस्ट, आप कोई बम तो नहीं फाड़ देंगे ऊपर वहाँ पर जाके। ठीक है, तो इसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है, दूसरी करती है सिक्योरिटी ब्रांच सेक्रेटेरिएट का, एंड थर्ड आपके पुलिस का लोकल थाना जो है वो सिक्योरिटी करते हैं। तो थाने का तो इजी सीन होता है, वो आप पेपर ले जाओ थाने में, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कर देते हैं, वो क्लियर हो जाता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। इशू आता है जो IB और SB की जो क्लियरेंसेज होती हैं, ये अक्सर लग जाते हैं 4 से 5 महीने, जिसमें ये आपके एक ऑफिसर आपके घर भेजते हैं, आपसे मिलते हैं और वो चेक करते हैं कि आप सही हैं या नहीं। लेकिन अक्सर ये होता है कि देर जस्ट हे फॉर सिफारिश, उनको थोड़े पैसे सही होते हैं, फिर वो काम होता है, वरना वो काम ही नहीं होता। तो ये सीन होता है। तो वंस दिस इज़ डन फिर ये आपकी SPL इशू हो जाता है। दूसरा, आपको आजकल एक सख्ती हुई है सिविल एविएशन में कि दे नीड योर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट डिग्रीज या जो भी उनकी इक्विवेलेंट है, दे नीड टू बी अटेस्टेड बाई दी IBCC बोर्ड। तो वो भी आप फ्लाइंग स्कूल से चेक कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे सारी रिक्वायरमेंट्स। जब ये सारा हो जाए तो फिर आपको सिविल एविएशन आपका SPL इशू करती है। जब SPL इशू हो जाए तो यू कैन स्टार्ट योर फ्लाइंग। ठीक है, यू बिल्ड अप योर आवर्स, 40 आवर्स कर लें, 190 कर लें, जितने आपने करना है आराम से करें। लिमिट ये है कि ये PPL आपने करना है 8 महीनों में, 8 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। CPL एंड IR आपने करना है 2 साल में, अगर इनसे एक्सीड कर जाता है तो आपको एक पेनल्टी पड़ जाती है सिविल एविएशन से, जो PPL के केस में आपको 10 आवर्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं एंड CPL के केस में आपको 50 आवर्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं।
तो ऑब्वियसली मेक श्योर यू हैव अ गुड फ्लाइंग स्केड्यूल, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ गया तो आपको वो 34-35 लाख में से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो 50 घंटे की पेनल्टी की वजह से। जॉब सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में? जॉब सिचुएशन यार अभी थोड़ी लो है इन पाकिस्तान। द रीज़न इज़ क्योंकि एक तो हमारे पास एयरलाइंस भी कम है, ऊपर से जो एयरलाइंस हैं वो उनमें से अक्सर जो है वो एयरफोर्स के ही पायलट्स उठाते हैं, कमर्शियल पायलट्स कम उठाते हैं। पाकिस्तान जो इस वक्त दो एयरलाइंस हैं जो कमर्शियल पायलट्स को लेती हैं एट 190 आवर्स, जो PIA है एंड शाहीन है, ये दोनों एयरलाइंस 200 घंटे पे पायलट्स को इंडक्ट करते हैं। PIA का तो ऐड आता रहता है जिसमें दे इंडक्ट पायलट्स 25 पायलट्स अक्सर करते हैं, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि अक्सर पायलट्स लिंक या कोई सिफारिश के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो PIA एंड शाहीन कोई लिंक है वेल एंड गुड, नहीं है तो वॉट मेनी पीपल डू इज दे डू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर आवर्स टू बिकम अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जैसे पाकिस्तान में एयरब्लू है तो एयरब्लू रिक्वायर्स 1500 आवर्स टू जॉइन दैम। तो वॉट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स डू, दे यूजली बिल्ड अप देयर आवर्स एंड देन दे अप्लाई टू वन एयरलाइन। बाकी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं लाइक एमिरेट्स, इतिहाद एंड बाकी जो है, दे रिक्वायर 1500 to 2000 आवर्स। तो वंस यू हैव दोज आवर्स यू कैन ऑल्सो जॉइन दैम। ठीक है, डिग्रीज अक्सर लोग कहते हैं कि हैविंग अ डिग्री इज़ बेटर। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री है इट्स ऑलवेज अ गुड प्लस पॉइंट, नंबर वन क्योंकि इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी, एंड नंबर टू यूजली सम एयरलाइंस ऑल्सो रिक्वायर बैचलर्स डिग्री, जैसे एयरब्लू है, एयरब्लू रिक्वायर्स अ बैचलर्स डिग्री टू जॉइन दम। और फिर जो बाकी इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर PIA और शाहीन, लेकिन अगर आपने इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू गो टू अ बिगर पोस्ट लाइक डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस और चीफ पायलट एक्सेट्रा, तो यूजली उन पोस्ट पे आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो डू अ बैचलर्स डिग्री एंड फ्लाइंग साइड बाय साइड। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ दोपहर को फ्लाइंग करने जाता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें कर रहा हूँ साइड बाई साइड। वरना यू कैन ऑल्सो डू दिस, अक्सर लोग करते हैं वो डिग्री करके फ्लाइंग कर लेते हैं, अक्सर लोग करते हैं फ्लाइंग करके फिर जो फाइव टाइम होता है बीच में उसमें डिग्री कर लेते हैं। तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स योर चॉइस जो आप करना चाहते हैं, अगर आप डिग्री करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते। एविएशन मैनेजमेंट वाली डिग्रीज जो हैं दे डोंट हैव रियली कोई फ़ायदा नहीं एविएशन में। ठीक है, मतलब इट्स नॉट इंस्ट्रूमेंटल टू बिकमिंग अ पायलट। अगर आप बस नहीं भी हैं तो यू कैन यू हैव इक्वली गुड चांसेस ऑफ बिकमिंग अ पायलट। ठीक है, डू अ डिग्री इन समथिंग दैट इज वर्थ वाइल एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ बैकअप इन केस यूर फ्लाइंग और यू डोंट गेट अ प्रोफेशन अंटिल अ फ्यू ईयर्स। तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप इन विच यू कैन देन कंटिन्यू इन दैट जॉब फील्ड इन केस फ्लाइंग डजंट गो एज यू प्लान्ड। तो फिर वॉट आई एडवाइज, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन फ्लाइंग एंड यू हैव द पैशन, यू हैव द डेडिकेशन एंड आपके पास पैसे भी हैं इतने कि यू कैन डू फ्लाइंग, तो देन विजिट योर लोकल फ्लाइंग स्कूल्स। ठीक है, देखें आप खुद जज करें कौन सा आपको बेहतर लगता है। टॉक टू स्टूडेंट्स इफ यू कैन फाइंड एनी लिंक्स जो आपको बता दें कि भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन दिस फ्लाइंग क्लब। मेक अ गुड एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म डिसीजन, क्योंकि अभी कुछ रूमर्स ये आए हैं रिसेंटली कि कुछ फ्लाइंग क्लब्स दे इंडक्टिंग स्टूडेंट्स लेकिन दे नॉट लेटिंग दम फ्लाई। ठीक है, फिर और भी इश्यूज आते हैं, तो मेक श्योर यू जॉइन अ गुड फ्लाइंग क्लब एंड ये है। तो ऑल्सो मैनी पीपल मिस्टेक द फैक्ट दैट हैविंग अ CPL एंड IR लाइसेंस गारंटीज देम अ जॉब इन टू एन एयरलाइन। भाइयों ऐसा कोई सीन नहीं है, जब आप CPL कर लेते हैं देन यू अप्लाई टू जॉइन एन एयरलाइन, देन इट्स कम्प्लीटली अप टू द एयरलाइन इफ दे हायर यू और नॉट। ठीक है, CPL इज जस्ट अ लाइसेंस, जब लाइसेंस आपके पास मिल जाता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ जॉब। एंड फिर जो जॉब के लिए अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं हर एयरलाइन की, दैट यू हैव टू सी PIA की अपनी वेबसाइट पर भी होंगे, एड्स भी होंगे, एयरब्लू की अपनी वेबसाइट पर उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप हर एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके उनकी अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं क्या। तो इफ़ यू हैव दीज रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं एंड आपको बहुत शौक है तो यू कैन डू योर फ्लाइंग। ठीक है, क्योंकि एंड में यार शशका तो बहुत है पायलट बनने का, तो यूनिफॉर्म का सीन है। तो इफ यू गेट योर SPL हैव योर 1 stripe देन योर PPL 2 stripes, CPL 3 stripes एंड इंशाल्लाह जब एक दिन आप कप्तान बनेंगे या ATPL होल्डर बनेंगे तो यू हैव योर 4 stripes एंड दैट इज द मोस्ट मोमेंट ऑफ प्राइड, क्योंकि ईच स्ट्राइप ऑन योर शोल्डर रिप्रेजेंट्स द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन यू गॉन टू गेट दैट स्ट्राइप। अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि वो बैठे बिठाए 4 stripe लगा लेते हैं। भाई कैसे 4 stripe लगा लेते हैं, हम लोग 1 stripe लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं PPL के बाद जाके मैं 2 stripes लगाऊंगा। तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर सेल्फ एंड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी कि आप कैसे आप मूविंग आपकी हुई हुई, आपने कैसे फ्लाइंग की हुई एंड एक्सेट्रा। तो आई कैन टेल यू अबाउट एयरबॉर्न एविएशन अ बिट, क्योंकि आई एम बेस्ड इन लाहौर, तो आई एम फ्लाइंग विद एयरबॉर्न एविएशन। वी हैव 2 Cessna 152s एंड 172s आर अपकमिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, इनकी फ्लाइंग अच्छी है, द ऑफिसर्स आर एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स, तो देयर ट्रेनिंग इज ऑल्सो गुड। आई एम हैप्पी हियर, कोई ऐसा इशू नहीं ओवरलॉन्ग का या फ्लाइंग नहीं करवाने का। लाहौर में इस वक्त वॉल्टन एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा फ्लाइंग एयरबॉर्न एविएशन की ही है।
if you want to join Airborne Aviation, you can new batch start hone laga soon. Flight instructor ka bhi new batch start ho raha hai. If you want to join them, you can let me know. I'll send you the details. Walton Airport is based hai. And yes, baki make an informed decision about which flying club you'll join. Each flying club has its own repute, its own reputation. Its students have its own reputation. So make sure aap kisi galat flying club mein na join kar jaye jisme pe aapko baad mein misla ho. Theek hai. And yeah, ye scene hai going pirate. If you have any other questions or comments, generally mention kar de. I'll get back to you as soon as I can. Main apne email bhi likh dunga niche description mein, so you can contact me if you have any other question that you'd like to ask. So theek hai. I hope I was able to satisfy you. And inshallah, fir hum next video mein milenge.